हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें वेलकम। सो मैं आज प्रशांत भैया के साथ जाने वाला हूँ एक उनकी प्राइवेट पार्टी में, जहाँ वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि तुषार तू भी चल, तो वहाँ चलते हैं। तो मतलब मैंने उन्हें हाँ बोल दिया, तो मेरी बहुत इच्छा है और मैं पहली बार जा रहा हूँ कभी ऐसे शो पे बाहर। और हम जा रहे हैं कुकस, तो वहाँ पे एक प्राइवेट पार्टी है जहाँ पे प्रशांत भैया प्ले करेंगे। एंड वैसे भी मैं भी अपनी एक पेंडा लेकर जा रहा हूँ जिसमें मेरे भी ट्रैक्स हैं, मेरे भी सॉन्ग्स हैं। सो शायद देखते हैं मैं भी क्या प्ले करूँगा कि नहीं करूँगा, वो सब आपको वहीं पता चलेगा। अभी मैं घर से मतलब मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने शर्ट वगैरह पहन लिया और ये सब मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने अपना इसमें दिखाता हूँ मैं आप सभी को, इसमें मैंने हुडी रखी है और टी शर्ट है, पेन ड्राइव और इस वाली जेब में पेन मतलब इस वाली जिप में मैंने अपनी पेन ड्राइव रखी है। कहाँ गई, ये रही। सो और इस वाली चेन में है मेरा चार्जर फ़ोन का। सो अब चलते हैं, रेडी हो चुके हैं, मैंने ये सब रख लिया, बस मम्मी पापा भी उनको ही बताना है कि मैं जा रहा हूँ ऐसा ऐसा। सो चलते हैं, आप सभी को दिखाऊंगा ये ब्लॉग। आई थिंक थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट आप इस ब्लॉग को पूरा देखना है, ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलते हैं वहाँ प्रशांत भैया के पास। पहले मैं जाऊँगा जारजा, फिर वो वहाँ से मेरे को पिक करेंगे, देन हम जाएंगे वहाँ पे कुकर्स। सो मिलते हैं आपसे। सो चलते हैं अब स्कूटी के पास। कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि टूट गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या कौन चिल्कुल आ गई यार? आ गए अपनी स्कूटी के पास। एक बार उसको रखते हैं और चलते हैं। मैंने अपनी स्कूटी को जारजा के नीचे पार्किंग में लगा दिया है एंड अब मैं जा रहा हूँ HOP के पास, जहाँ से भी हम मुझे पिक करेंगे। सो चलते हैं, बस चल रहा हूँ रास्ते में। और ये है टोक्यो, ये भी क्लब है, लॉन्ज है, और इसके नीचे फर्स्ट इंडियन न्यूज़ वाले। अब आप देखो किसी क्लब के नीचे रिपोर्टर्स हैं। क्लब के नीचे रिपोर्टर्स होना मतलब खतरा, पूरा खतरा। सो अब देखते हैं, भैया को भी मैंने कॉल किया था, तब भैया ने कहा कि मैं 15 से 20 मिनट में आता हूँ। सो जब तक मैं उनका थोड़ा वेट करता हूँ, यहाँ आस पास कुछ देख लूँगा, घूम लूँगा, थोड़ा फ़ोन वगैरह चला लूँगा। सो वेट करते हैं भैया का आने का। सो एवरीवन, मुझे यहाँ टाइम हो गया भैया का वेट करते करते, मैं 5:50 पे आया था और अभी हो रहे हैं 6:40, तो मैं बैठा ही हूँ जब का भैया का वेट कर रहा हूँ। एंड भैया ने मेरे को भी करीबन 5-10 मिनट पहले कॉल करके नहीं बोला कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, सो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो अब भैया आने वाले हैं, अब देखते हैं कब तक आएंगे। तो ये देखो कितने मज़े से सो रहा है, ये देखो इसको, और मैं इधर वेट कर रहा हूँ भैया का। तो मैं आपको शायद मैंने आपको बताया नहीं, मैं जा रहा हूँ प्रशांत भैया के साथ कुकर्स, शायद प्राइवेट पार्टी है। वैन्यू तो मुझे भी अभी तक पता नहीं है, वहाँ जाकर पता चलेगा। अब भैया मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूँगा। अब देखता हूँ मैं भैया के सामने व्लॉग कर पाता हूँ कि नहीं, तो आप सभी को वहीं पता चलेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ। अभी मैं हूँ इधर HOP हाउस ऑफ पीपल के बाहर। तो मिलते हैं, भैया आने वाले हैं। तो चल देखो, फिर इसमें सही आती है क्वालिटी कुछ नहीं। अरे ये आईफोन है आपके पास तो यार, इसमें बना हुआ है हैं
खाली करने पड़ेंगे, वीडियो डिलीट करने पड़ेंगे। नहीं इसमें भी बना ले एक वीडियो तो तू तेरे हिसाब से फिर बना देना। बिल्कुल वैसे ही बना देगा रेडियो मिर्ची की जैसी एकदम है। हाँ सो एवरीवन ये है आज का हमारा सेटअप। ये है प्रशांत भैया का लैपटॉप, ये CDJ 3000 और ये DJ MA9। मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। अब आई थिंक आप सभी को थोड़ा विजिबल होगा। ये दोनों CDJ 3000 है एंड ये DJ MA9 और एक मॉनिटर ये इधर और ये कुछ लाइट्स। सो हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे एंड ये है आज का सेटअप। ये एक फार्म हाउस है। सो अभी हो रहे हैं 9:28 हो रहे हैं, तो ये अब देखते हैं पार्टी कब तक स्टार्ट होगी एंड देन ये कब बंद होगी, कब ख़त्म होगी। सो देखते हैं एंड अभी थोड़ी देर बाद मैं प्ले करूँगा। गाइज मैं आ चुका हूँ मेरी स्कूटी पे, बहुत ठंड है आप देख रहे हैं, मैं हेलमेट हुडी और अंदर शर्ट है
पर फिर भी मुझे ठंड लग रही है। और अभी बज गए हैं रात, मतलब सुबह के 4 मान लीजिए, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। बहुत ठंड है, अब मैं शायद घर जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ भी है तो ही नहीं है। अभी रोड पे सूना पड़ा है, देखो मेरी भी मेरी शक्ल भले ही नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब आ रही होगी, बट ब्लॉग इज़ इम्पोर्टेंट, ब्लॉग तो बनाना है। सो पार्टी डन हो चुकी है, पार्टी बहुत अच्छी गई है। मैं आपको, आप सभी ने शायद पहले, मैं शायद पहले क्लिप्स डालूँगा या शायद बाद में, बट जो भी क्लिप्स थी बहुत अच्छी आई हैं। प्रशांत भैया की मैंने कुछ वीडियो शूट की, उन्होंने मेरी कुछ वीडियो शूट की और मैंने प्ले किया, स्टार्टिंग ओपनिंग सेट मैंने प्ले किया था। एंड फिर बाद में हमने 9:30 से स्टार्ट किया एंड देन मैंने 10:30 तक प्ले किया, देन भैया ने 10:30 से लेकर 2:30 तक प्ले किया उन्होंने। तो जो पार्टी थी 2:30 तक चली एंड देन फिर बाद में हमने खाना वगैरह खाया, पैकअप किया। जो कंसोल था वो हमारा ही था, और जो कंसोल था वो आशुविया का था, मेरे सर का। तो हम, मतलब प्रशांत भैया ने उनसे लिया था ये प्राइवेट पार्टी करने के लिए, तो हम उनका कंसोल लेकर गए थे। तो वो हमने सेटअप किया, हमें नहीं पैकअप किया ट्रक वाले सरस। तो मैं कहा था हाँ, हमने ही पैकअप किया एंड देन हमें पैकअप करते करते 3 बज गए और फिर हमने खाना खाया। आपको बताऊँ मैं वहाँ पे, देखिए हम स्टार्टर तो पता ही नहीं, हमारे पास खाया ही नहीं था। बाकी जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी और बाकी फिर उसके बाद करीबन 1-2 बजे हमने स्टार्टर खाया, जो कि बहुत ठंडा हो चुका था। और सबसे बुरी बात ये थी कि हम इतनी देर खड़े थे, इतनी देर मतलब एक ही जगह खड़े, इतना काम किया और हमें क्या मिलता है, हमें सिर्फ 2 रोटी या 2-3 रोटी थी बस, वही बची थी एंड फिर वो हमने खाई, मैंने प्रशांत भैया ने वो खाई और अपना पेट भरा। भूख तो इतनी थी क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा भूख थी, बट क्या करें, खाना ही नहीं था वहाँ पे। तो हमने 2-3 रोटी खा कर अपना पेट भरा और बस आ गए। अब मैं घर जा रहा हूँ, ऐसे तो 4 बज रहे हैं, मम्मी पापा डांटेंगे कि तू 4-5 बजे आया है। वैसे अगर ये वो मम्मी पापा मेरे ब्लॉग देखेंगे तो चिल्लाएंगे, बोले ऐसी ऐसी बात की और तुमने हमको बताया नहीं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं बाहर ही स्टे कर लूँ, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा चिल्लाएंगे कि तू इतनी रात को आके हमको परेशान कर रहा है और हमको जगा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं बाहर ही स्टे कर लूँ, तो देखता हूँ अब क्या करते हैं। एक दो दोस्त को कॉल किया था मेरे फ्रेंड्स को, बट वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो मैं क्या करूँ। अब मैं जा रहा हूँ, देखते हैं, बताता हूँ आप सभी को। अगर मैं घर गया तो मैं घर पे इस ब्लॉग को एंड करूँगा, है ना, ब्लॉग तो घर जाकर ही एंड होगा। बाकी देखते हैं अभी ब्लॉग कितना आगे बढ़ता है, कहाँ मैं रुकता हूँ, कहाँ क्या करता हूँ, बताऊँगा आपको, सब दिखाऊँगा। तो जब मेरे को देखा है ये क्या कर रहा है, 4 बजे सुबह की 4 बजे फोन लेकर खुद की वीडियो बना रहा है। ये देखो हाँ, ये अभी तक की अभी तक का सबसे बड़ा व्लॉग होगा ये मेरा। और ये आगे पुलिस वाले, तो मुझे लगता है मुझे भी वीडियो ही ऑफ करनी पड़ेगी, क्या पता मुझसे कुछ पूछ ले कि क्या कर रहे थे रात को। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी इसको बंद ही कर देता हूँ, मैं आपसे अभी बात नहीं करता हूँ, ठीक है। आप सभी को दिखाने
बट एक भाई मेरे को देख के अंदर डांस कर रहा था। क्या बात है। और ये मैं बाहर हूँ अभी सांबरे के, जहाँ मैंने एक प्राइवेट पार्टी अटेंड की थी। वो जगह तो गाइस अब मैंने फ्लैश ऑन कर दिया है। अब शायद मैं भले ही आपको दिख रहा हूँगा बट ये अभी फ्लैश मेरा आगा बहुत चुभ रहा है, बट आप सभी को तो दिखाना ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को बता रहा था ना कि मैं घर जाऊँगा या क्या करूँगा, तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको कॉल किया है और वो आ रहा है मेरे लिए। अब हम दोनों घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, बट अभी मैं घर नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं और मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, बाद में उनको कॉल करके बोल दूँगा कि ऐसे ऐसी बात थी इसलिए परेशान नहीं किया, ये सब तो मैं बता दूंगा। तो अभी हम वो आ रहा है, उसने 10 मिनट का बोला है, तो देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं, फिर करते हैं कुछ। तो अभी आया था मैं स्पेस, पढ़ लीजिए। ओके, सुनसान रोड पे अकेला लड़का, शायद यहाँ रहता है। हाँ भाई फर्जी, मैं उसको फर्जी बोलता हूँ, उसका नंबर भी मैंने फर्जी से सेव कर रखा है। तो भाई फर्जी, अगर तू मेरा ये व्लॉग देख रहा है तो ये मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, फर्जी आदा, फर्जी कहाँ रहेगा तू? चलो फर्जी आता रहेगा, अब हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। या तो शायद मैं व्लॉग में दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम बकवास करते हैं, काफ़ी घूमेंगे ऐसा ऐसा, तो दिखाता हूँ ठीक है। गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, पहुँचने वाला हूँ। अब देख सकते हैं मैंने मेरी हुडी भी उतार ली है, बस अब मैं घर पहुँच रहा हूँ लास्ट में। जूते नीचे उतारो, कौन है ये, कौन है ये? है मेरी मम्मी। सो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ घर पे और पहुँच गया घर। हालत खराब एकदम। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने मेरा व्लॉग, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है या आप ग्रुप में देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं, फैमिली के साथ देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच ये व्लॉग पूरा देखने के लिए।
थैंक यू सो मच। और ऐसे ही व्लॉग देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे मेरे व्लॉग्स देखने को मिले और आपको मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कि मैं अपना व्लॉग अपलोड करूं तो आप सभी को वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप इजीली और जल्दी देख सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और अब बस पूरा दिन आराम करूँगा, पूरा दिन बहुत थक गए। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।